नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज की जो अपनी क्लास रहेगी, जिसके अंदर एक नया चैप्टर अपने स्टार्ट करेंगे, चैप्टर का जो नाम रहेगा इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स रहेगा, यानी कि भारतीय विद्युत नियम। ठीक है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स की अगर हमने बात करें तो वायरिंग हो गया, अर्थिंग हो गया, ओवरहेड लाइनें होगी, अंडरग्राउंड केबल जितने भी जो होते हैं सबके अंदर अलग अलग तरीके से यूज किए जाते हैं। यहाँ अगर हमने नियम देखेंगे, ये नियम बनाए कब गए थे और इसके अंदर कितनी जो है बातें लिखी गई है, तो सबसे पहले हमने बात करेंगे इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, यानी कि भारतीय विद्युत अधिनियम। ठीक है, तो ये जो रूल्स बनाए गए थे, ये बनाए गए थे 1956 के अंदर। ठीक है, तो 1956 के अंदर बनाए गए थे। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है जो आजकल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 1956 के अंदर रहेगा। फिर आपको क्या बात याद रखना है कि जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स जो थे 1956 के अंदर जो ये बनाए गए थे, इनके अंदर टोटल जो रूल्स थे, टोटल अगर रूल्स की अगर हमने बात करें तो वो थे 146, यानी कि 146 थे। अब ये 146 रूल है टोटल, लेकिन अपने को 146 याद नहीं करने हैं, अपने को जो याद करने हैं टोटल वो 12-13 से लगभग लमसम रहेंगे। तो यहां से देखेंगे हमने, देखो रूल नंबर अपने को याद कौन कौन से करेंगे, रूल अपने याद करेंगे 30, 31, 32, 33। ठीक है, 33 के बाद में हमने रूल नंबर देखेंगे 35, बाकी बीच वाले हमने काम के नहीं है। फिर हमने देखेंगे यहाँ पर आएगा 44 के बाद में 50 नंबर रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, 50 के बाद में 54 सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, फिर 55 के बाद हमने देखेंगे यहाँ पर 61। ठीक है, 61 के बाद जो अपना रूल जो रहेगा वो रहेगा अपना 77, फिर 78, फिर रहेगा अपने पास यहाँ 80। ठीक है, फिर यहाँ रूल क्या रहेगा अपना 80 रहेगा। अब आप लोग यहाँ से देखें 30, 31, 32, 33, 34, 35, 34 नहीं है यहाँ पर 35, फिर 44, 50, तो इनको काउंट करके आप लोग देखें यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा एक रूल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, वो रहेगा अपना रूल नंबर 91। तो आप लोग यहाँ से देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अब इन 14 के अंदर मैं आपको यहाँ से बताता हूँ, 14 के अंदर मैं आपको यहाँ से बताता हूँ जो अपने लिए जो रूल काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो रूल नंबर रहेगा 54, 55, 61, 77, 78 और 79। ठीक है, 77, 78 और 80 नंबर रूल इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद अपना जो रूल नंबर इंपॉर्टेंट रहेगा ये रहेगा 35, और ठीक है ये इंपॉर्टेंट रूल अपने लिए जो सबसे ज़्यादा एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले रूल नंबर 30 के बारे में बात करेंगे। जो रूल नंबर 30 है, ये रूल नंबर 30 क्या बताता है, ये रूल नंबर 30 क्या बोलता है अपने को, तो अपने बात करेंगे रूल नंबर 30। रूल नंबर 30 क्या कहता है कि उपभोक्ता का जो परिसर होगा, उपभोक्ता का परिसर का मतलब अपना घर है, अपने उपभोक्ता है, तो उपभोक्ता के परिसर में सेवा लाइनें और उपकरण। ठीक है, अब इसका मतलब देखो क्या रहेगा, उपभोक्ता के परिसर में, ठीक है, सेवा लाइनें व उपकरण, उपकरण जो होता है उपकरणों को बोला जाता है। देखो ये नियम क्या कहते हैं, ये नियम ये बोलता है कि जो आपूर्ति करता है, यानी कि आपूर्ति करता कोई भी जो बिजली कंपनी हो सकती है, कोई गवर्नमेंट कंपनी हो सकती है, वो काम क्या करेगी। ठीक है, आपूर्ति करता है यानी कि जो अपने को आपूर्ति देगा, आपूर्ति करता को यह सुनिश्चित करना होगा, यह इस बात की गारंटी लेनी पड़ेगी कि इस उपभोक्ता के घर के अंदर जितने भी जो उपकरण लगे हैं, सेवा लाइनें होगी, फ्यूज, रिले, कटआउट, जो भी सिस्टम है, वो सारा का सारा क्या है उचित स्थिति में, यानी कि आपूर्तिकर्ता क्या करेगा सुनिश्चित करेगा, आपूर्तिकर्ता क्या करेगा सुनिश्चित करेगा कि उपभोक्ता के घर के अंदर, ठीक है, उपभोक्ता के परिसर में सेवा लाइनें, ठीक है, सेवा लाइनें, उपस्कर का मतलब उपकरण रहेगा यहाँ पर, ठीक है, उपस्कर हो गया, ठीक है, और इसके अलावा कुंजी का मतलब क्या होगा, स्विच हो गया, और परिपथ विच्छेदक आदि क्या है, यानी कि सर्किट ब्रेकर आदि क्या उचित स्थिति में, आदि उचित स्थिति में। अब यहां से जब सवाल आपसे पूछा जाएगा तो कैसे पूछा जाएगा, आपको बोलेगा ये दे देगा लाइन और बोलेगा ये रूल कौन सा, या ये लाइन ये रूल दे देगा और बोलेगा ये लाइन कौन सा। जैसा DMRC की परीक्षा हुई थी 2017 के अंदर, उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, 2 तारीख 2 शिफ्ट थी 19 तारीख की, उसमें ये 32 नंबर रूल पूछा गया था, उसके अंदर जो रूल पूछा गया था, ये 32 नंबर जो रूल था उसके अंदर ये पूछा गया था। तो यहाँ से आपको जो मेन हेडिंग है वही आपको याद रखना है कि उपभोक्ता के परिसर में सेवा लाइनें और उपकरण।
अब आप लोग यहाँ से आइडिया लगा सकते हो कि ये पूछ आपको किसके बारे में रहे। तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है कि आपूर्तिकर्ता इस बात का सुनिश्चित करेगा, इस बात की गारंटी करेगा, मतलब इस बात को पूरी तरीके से कन्फर्म करेगा कि ये जो उपभोक्ता के घर के अंदर जितनी भी चीज़ें लगी हैं वो सारी की सारी की एकदम सही स्थिति में, तभी वो काम क्या करेगा, बिजली आपको देगा। इससे पहले आपको वो बिजली नहीं प्रदान कर सकता। तो रूल नंबर 230 के बाद जो अगला रूल नंबर रहेगा वो रहेगा अपना क्या रहेगा, 31 नंबर जो रूल रहेगा वो रहेगा। तो 31 नंबर रूल देखो क्या कहते हैं। तो रूल नंबर 30 के बारे में जो मेन हेडिंग है वही आपको याद रखना है। रूल नंबर 31 देखो, रूल नंबर 31 क्या कहता है कि जो उपभोक्ता जो होगा, जो कंज्यूमर जो होगा, उपभोक्ता के परिसर में कटआउट, परिसर में क्या रहेगा, कटआउट। अब यानी कि ये नियम क्या कहता है कि जो आपूर्तिकर्ता जो होगा, बिजली का जो आपूर्तिकर्ता होगा, वो इस बात का सुनिश्चित करेगा, इस बात को सुनिश्चित करेगा कि जो प्रत्येक सेवा लाइनें जो है, यानी कि जो सर्विस लाइनें है, उस सर्विस लाइन के प्रत्येक चालक के अंदर क्या है, कटआउट है। यानी कि आपूर्तिकर्ता क्या करेगा, इस बात को सुनिश्चित करेगा कि ठीक है, सर्विस लाइन जो होगी, यानी कि सर्विस लाइन के प्रत्येक चालक, ठीक है, प्रत्येक चालक में क्या है, उचित कटआउट है, उचित कटआउट है। आपको केवल ये मेन हेडिंग याद रखनी है, ठीक है, उचित कटआउट है। तो मेन हेडिंग आपको पता होना चाहिए कि ये लाइन आपको याद रखना है और ये रूल नंबर आपको याद रखना है, कौन सा रूल नंबर है। अब रूल नंबर देखो, रूल नंबर 32 देखो, ये रूल नंबर 32 है, ये अर्थिंग से संबंधित है। रूल नंबर 32 क्या कहता है, रूल नंबर 32 क्या कहता है कि जो भू संपर्कन यानी अर्थिंग टर्मिनल हो गया, इसके अलावा अपने पास न्यूट्रल टर्मिनल हो गया, ठीक है, इसके अलावा अपने पास कौन सा हो गया, स्विच हो गया, इसके अलावा सर्किट ब्रेकर हो गया, ठीक है, आदि की क्या करना, पहचान करना, ये सारे के सारों की क्या करना, पहचान करना। तो आपूर्तिकर्ता जो होगा इन चीजों को देखेगा, उसने अर्थिंग कर रखी है, न्यूट्रल टर्मिनल अच्छे तरीके से है, स्विच सॉकेट सारा कुछ है उसके घर के अंदर जो है, वो सारे सिस्टम के अच्छे तरीके से लगा है। तो ये रूल नंबर क्या, 32 है। फिर रूल नंबर 33 देखो क्या कहते हैं, ठीक है, रूल नंबर 33 क्या कहता है, ये अर्थिंग से संबंधित है कि जो उपभोक्ता जो होगा, जो वायरिंग जो होगी, उस वायरिंग के जो प्रथम चरण जो होगा, यानी कि सबसे पहले काम क्या करेगा, वायरिंग करने से पहले वो, या वायरिंग करते टाइम या वायरिंग के बाद कैसे भी करके उसके घर के अंदर क्या करना पड़ेगा, उसको एक अर्थिंग टर्मिनल लगाना होगा। यानी कि ये क्या कहता है, अर्थिंग टर्मिनल से संबंधित है, ठीक है, कि अर्थिंग टर्मिनल यानी कि उपभोक्ता जो होगा उसके घर के अंदर जो भवन जो होगा उसके पास क्या होना चाहिए, एक अर्थिंग टर्मिनल होना चाहिए। और ये भी ध्यान रखना कि जब अपने अर्थिंग बढ़ेंगे तब आपको बताऊंगा कि अर्थिंग इलेक्ट्रोड जो होगा उसकी भवन से जो दूरी होनी चाहिए वो 1.5 मीटर होनी चाहिए। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है, रूल नंबर 33 क्या रहेगा। अब रूल नंबर देखो 35, 44, 50, 54 और 55, ये पाँचों रूल बिल्कुल सिंपल है, आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो पहला जो रूल नंबर जो 30 था वो क्या था, उपभोक्ता के परिसर में, ठीक है, और उपभोक्ता के परिसर में क्या याद रखना है, सेवा लाइनें और उपस्कर उनकी चीज़ों की पहचान करना। 31 नंबर कटआउट के बारे में होगा, 32 नंबर न्यूट्रल अर्थिंग इनकी पहचान करना होगा, 33 नंबर अर्थिंग टर्मिनल की पहचान करना, यहाँ से आपको याद रहेगा। अब इनके बाद देखें रूल नंबर 35 क्या कहता है, 35 देखो क्या कहता है, रूल नंबर 35 ये बात बोलता है, वार्निंग प्लेट से संबंधित है कि जहाँ हाई या एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज होगी वहाँ जो पोल जो होंगे उन पोल पर क्या होगा, वार्निंग प्लेट लगी होनी चाहिए ताकि आपको ये दूर से पता चल जाए कि वो खतरे के निशान को इंडिकेट कर रही है। तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है कि उच्च व अति उच्च, ठीक है, उच्च व अति उच्च वोल्टेज पर, ठीक है, क्या होना चाहिए, अति उच्च वोल्टता पर पोल्स यानी कि जो खंभे जो होंगे पोल्स पर क्या होना चाहिए, वार्निंग प्लेट होना चाहिए, वार्निंग प्लेट क्या है, होनी चाहिए। तो ये रूल से बोलते हैं, ठीक है, तो ये रूल नंबर अपना कौन सा रहेगा, ये रहेगा 35 नंबर रूल रहेगा। अब 35 के बाद अपने रूल करेंगे रूल नंबर 44 के बारे में, ठीक है। रूल नंबर 44 जो है वो अपनी सुरक्षा के लिए, ठीक है, कि अगर कोई बिजली के झटके से पीड़ित व्यक्ति होगा तो उसकी प्राथमिक चिकित्सा, यानी कि फर्स्ट एड जो होगा उसका उचित प्रबंध होना चाहिए। यानी कि विद्युत झटके से पीड़ित व्यक्ति के लिए, यानी कि कहीं भी एक ऐसा जगह है जहाँ विद्युत झटका लग सकता है तो वहाँ उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए क्या होना चाहिए, वहाँ कुछ ना कुछ होना चाहिए ताकि जैसे उसके बिजली का झटका लग जाए तो उसकी प्रारंभिक चिकित्सा वहाँ संभव होनी चाहिए कि वहाँ की जा सके। तो विद्युत झटके से पीड़ित, ठीक है,
व्यक्ति के लिए प्राथमिक चिकित्सा का उचित प्रबंध, प्राथमिक चिकित्सा का प्रबंध होना। तो ये आपको रूल नंबर याद रखना, 44 नंबर याद रखना। अब नियम नंबर देखो 50, देखो क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर जो 50 है, ये रूल नंबर है जो है उपभोक्ता को आपूर्ति, यानी कि अपने को बिजली सप्लाई कब मिलेगी। तो इसके अंदर कुछ बातें लिखी गई है, एक तो बातें ये लिखी गई है कि जो उपभोक्ता जो होगा उसके अंदर जो कंडक्टर जो होगा, ठीक है, कंडक्टर जो होगा वो उचित है, यानी कि ठीक है, उपभोक्ता परिसर के अंदर, उपभोक्ता परिसर में धारा वहन करने वाला चालक जो होगा या धारा वाहक, ठीक है, फ्यूज, सर्किट ब्रेकर, स्विच के साथ उचित प्रबंध में, स्विच के साथ क्या है, उचित प्रबंध है, यानी कि इसका क्या है, जो कंडक्टर जो होगा, कंडक्टर जो होगा, चालक जो होगा, उसके साथ फ्यूज हो गया, स्विच हो गया, आपने अच्छे तरीके से उसको लगा रखा, उसको अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर रखा, तो ये उपभोक्ता को आपूर्ति से संबंधित अगर नियम पूछे तो आपको याद रखना नियम नंबर 50 में। दूसरी बात क्या याद रखना है, मोटरें व अन्य उपकरण, अगर घर में कोई मोटर है तो अन्य उपकरण होगी, इसके अलावा पंखा, कूलर, टीवी, जो भी होगा, मोटरें व अन्य उपकरण उनकी भी आपने काम क्या कर रखी है, ठीक है, मोटरों व अन्य उपकरणों का स्विच व अर्थिंग के से उचित प्रबंध, ठीक है, तो यानी कि उचित प्रबंध अगर आपने कर रखा है तो भी आपको वो क्या करेगा, सप्लाई दे सकता है, यानी कि उपभोक्ता को ये कंडीशनें पूरी करने की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा ध्यान रखना, ठीक है, इसके अलावा आप ध्यान रखना, जो उपभोक्ता जो होगा, उपभोक्ता परिसर के अंदर, उपभोक्ता परिसर में चालक, ठीक है, चालक जो होगे ये फ्यूज, ये तो आपको मैंने लिखाई दिया, तो ये आपको यहाँ से दो बातें इसके अंदर क्या करनी है, याद रखनी है कि जितने भी फ्यूज, सर्किट ब्रेकर जो होंगे वो सारे के सारे इसके साथ कनेक्टेड होंगे, इसके अलावा मोटर या अन्य उपकरण उनकी आपने अर्थिंग कर रखी है, उनके आपके साथ स्विच सॉकेट के साथ उचित प्रबंध कर रखा है। नियम नंबर 50 के बाद में नियम नंबर 54 देखे, रूल नंबर 54 देखो क्या कहता है, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर के लिहाज से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहां से देखो नियम नंबर 50 क्या कहता है, 54 क्या कहता है, रूल नंबर 54 क्या कहता है, ये है प्रतिशत वोल्टता में परिवर्तन, प्रतिशत वोल्टता में परिवर्तन। तो यहां से आपको याद रखना जो पेपर के दृष्टिकोण से सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसके अंदर दो बातें मेंशन की रखी है। तो पहली बात आपको याद रखना है कि जो निम्न और जो मध्यम वोल्टेज होगी उसमें कितने परसेंटेज का चेंजिंग अलाउ है, जो आपूर्तिकर्ता जो होगा वो कितने चेंजिंग कर सकते हैं, तो निम्न व मध्यम वोल्टता में परिवर्तन, तो यहां से जो परिवर्तन है वो कितना हो सकता है, पहले तो ये ध्यान रखना प्लस माइनस 5 दिया जाता था, लेकिन आजकल प्लस माइनस 6, ठीक है, तो ये ऑप्शन सही माना जाता है। उसके बाद याद रखना उच्च व अति उच्च वोल्टता, और इसकी रेंज भी आपको पता होना चाहिए, उच्च वोल्टेज अति उच्च वोल्टता की रेंज क्या है, लास्ट में हमने बात करेंगे। तो इसके अंदर जो चेंजिंग होगी वो प्लस माइनस क्या होगा, 12%, तो इससे ज़्यादा चेंजिंग नहीं होना चाहिए, यानी कि ये रूल नंबर 54 है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से जो ये पहली जो लाइन है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये बोलेगा कि जो निम्न और मध्यम वोल्टता है उसके अंदर अधिकतम परिवर्तन की कितनी अनुशंसा दी जाती है, तो यहाँ से आपको याद रखना है अधिकतम कितना हो सकता है, प्लस माइनस 6%। अब रूल नंबर देखे, ये तो था अपना पास रूल नंबर 54, अब रूल नंबर 54 के बाद में देखे रूल नंबर 55 क्या कहता है, रूल नंबर 55 जो है ये क्या कहता है, तो रूल नंबर 55 देखो आपको क्या बोलेगा, देखो रूल नंबर 55 ये बात बोलेगा, रूल नंबर 55 जो होगा, 55 जो होगा, ये रूल नंबर 55 क्या कहता है, ये तो था वोल्टेज में चेंजिंग, ये था आवृत्ति के अंदर, यानी कि जो घोषित आवृत्ति है, ठीक है, घोषित आवृत्ति में परसेंटेज क्या होगा, परिवर्तन, यानी कि जो आवृत्ति जो है अपने भारत के अंदर जो ऐसी सप्लाई है उसकी जो घोषित कर रखी है वो कितनी है, 50 हर्ट्ज, उस 50 हर्ट्ज के अंदर कितना चेंजिंग किया जा सकता है मैक्सिमम, तो उस 50 हर्ट्ज के अंदर जो चेंजिंग है वो देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि आपकी तीन फेज हो चाहे सिंगल फेज हो, दोनों के अंदर जो अधिकतम जो फ्रिक्वेंसी होगी ऐसी की, चाहे आपकी सिंगल फेज हो चाहे थ्री फेज हो, ये जो घोषित वोल्टेज है, सॉरी फ्रिक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज, और इसमें जो चेंजिंग अलाउ है वो कितना है,
यानी कि चेंजिंग जो अलाउ है, जो अपने को अलाउ कर रखा है कंपनी को, वो है प्लस माइनस 3%। यानी कि जो आपूर्तिकर्ता जो होगा, यानी कि कोई भी जो कंपनी जो होगी जो अपने को सप्लाई दे रही है, वो इस फ्रिक्वेंसी के अंदर यानी इस 50 हर्ट्ज में कितना चेंज कर सकते हैं, प्लस माइनस 3%। इसका मतलब 50 का अगर आप लोग 3% निकालेंगे तो आपका आएगा 1.5। तो आप लोग इसका 1.5 प्लस करें और 1.5 माइनस करें, तो जब माइनस करेंगे तो 48.5 आएगा और प्लस करेंगे तो ये आएगा। तो भारत की घोषित फ्रिक्वेंसी की अगर आपसे रेंज पूछा जाए तो आपका आंसर होगा 48.5 से लेकर 51.5 के क्या होगा, बीच में होगा, ठीक है। और परसेंटेज अलाउ चेंजिंग जो होगा वो प्लस माइनस क्या रहेगा, 3%। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर जो है अपना रूल रहेगा। अब रूल नंबर 61 देखें, ठीक है। रूल नंबर 61 आपको क्या बात बोलता है, रूल नंबर जो 61 होगा ये क्या बात बोलेगा कि ये अर्थिंग से संबंधित है। ये भी आपको याद होना चाहिए, ये किस बात से संबंधित है, ये अर्थिंग से संबंधित है। इसके अंदर आपको देखो पहली बात क्या याद रखना है कि कम से कम कितनी वोल्टेज पर अर्थिंग करनी है, कम से कम कितनी वोल्टेज पर क्या करनी है, अर्थिंग करनी है। तो न्यूनतम यानी कि 125 वोल्ट, ठीक है, जहां सप्लाई वोल्ट था, ठीक है, सप्लाई वोल्ट था 125 वोल्ट या इससे अधिक हो, ठीक है, इससे अधिक हो वहां, ठीक है, अर्थिंग करना आवश्यक है। देखो इसके बाद ये रूल और क्या कहता है, इस रूल के अंदर ये बात बोली गई है कि जहां 125 वोल्ट या इससे ज्यादा की सप्लाई है तो वहां अर्थिंग करनी जरूरत है। तो वहां अर्थिंग के साथ साथ आपको दो तीन बातें याद रखनी है कि जो जनरेटिंग स्टेशन होगा, यानी कि जो जनरेटिंग जहाँ बिजली का निर्माण किया जाता है, जनरेटिंग व डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन होगा जहाँ बिजली का बंटवारा बांटा जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन जो होगा स्टेशन पर क्या होनी चाहिए, डबल अर्थिंग होनी चाहिए। तो दोहरी अर्थिंग होनी चाहिए, ठीक है, डबल अर्थिंग होनी चाहिए। इसके अलावा देखो जितने भी जो मोटरें हैं, ट्रांसफार्मर है, अल्टरनेटर, उनकी भी क्या होनी चाहिए, डबल अर्थिंग होनी चाहिए। यानी कि मोटरें, ट्रांसफार्मर, ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको बोल दे मोटरें होगी, ट्रांसफार्मर होगी, इसके अलावा आप लोग बोल दे अल्टरनेटर हो गया, इनकी इनकी करंट क्षमता क्या होगी, ज़्यादा होती है, तो इसलिए इनकी क्या होनी चाहिए, डबल अर्थिंग, कि क्या होनी चाहिए, डबल अर्थिंग। फिर एक और देखो, और इसके अंदर क्या बात याद रखनी, इसके अलावा देखो अर्थिंग के अंदर जितने भी जो कंडक्टर यूज किए जाते हैं उनका प्रतिरोध 1 ओम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के अनुसार क्या नहीं होना चाहिए, 1 ओम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि अर्थिंग चालक जो होगा, अर्थिंग चालक का आर 1 ओम से क्या नहीं होना चाहिए, ज्यादा 1 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी कितने भी कंडक्टर आप लोग यूज करें, नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा देखो एक रूल और है जो अपने घर में वायरिंग जो होती है उसके अकॉर्डिंग इसमें अंदर जो बात की रखी गई कि घर के अंदर जितने भी जो जंक्शन बॉक्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा अपने घरों में वायरिंग के लिए यूज करते हैं कि जंक्शन बॉक्स हो गया, ठीक है, धातु, देखो पीवीसी की होगी तो अर्थिंग करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन अगर धातु का होगा तो धातु की कैसिंग कैपिंग होगी, धातु की कैसिंग हो गया, कैपिंग हो गया, कैपिंग की अर्थिंग करना क्या आवश्यक है, ठीक है, अर्थिंग करना क्या आवश्यक है। तो ये बात आप लोग यहाँ से याद रखेंगे, नियम नंबर 61 के अंदर ये क्या बोलता है, जहाँ सप्लाई 125 या इससे ज़्यादा हो वहाँ ये बातें लागू होनी चाहिए, वहाँ ये डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेटिंग स्टेशन के अंदर डबल अर्थिंग होनी चाहिए, मोटर, ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर वहाँ भी डबल अर्थिंग होनी चाहिए, और जितने भी जो कंडक्टर यूज़ कर रहे हो अर्थिंग के लिए उनका प्रतिरोध 1 ओम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जंक्शन बॉक्स, धातु गैसिंग कैपिंग इनके अंदर भी क्या होना चाहिए, 1 ओम से इनके भी क्या होनी चाहिए, अर्थिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो अब एक चीज और देखो, यहाँ एक रूल और देखो 49 नंबर रूल देखो, यहाँ पर रूल नंबर क्या याद रखना, 49, ठीक है, ये जो है ये लीकेज करंट से संबंधित है। इसके अंदर आपको दो बातें याद रखनी, एक बात आप लोगों को पता है कि अधिकतम जो लीकेज करंट होगी किसी सर्किट के अंदर, ठीक है, अगर फेज का तार उपकरण की बॉडी के संपर्क में आ जाता है और वो काम क्या होगा, फिर करंट क्या होती है, लीकेज होती है। तो अधिकतम जो लीकेज करंट होगी यहाँ से अगर हमने देखें, ठीक है, यानी कि लीकेज करंट जो होगी वो कितनी होनी चाहिए, फुल लोड करंट की लीकेज करंट यानी कि क्षरण धारा जो होगी वो कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 1/5000 इंटू क्या आएगा, फुल लोड करंट, ठीक है,
एक बटा पांच हजार बटा में क्या रहेगा, फुल लोड करंट रहेगा। अगर इस एक बटा पांच हजार को मिली में चेंज करना चाहते हो तो इसको हजार से मल्टीप्लाई कर देना, और हजार से जैसे ही हमने मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो मान आएगा 0.2। तो यानी कि लीकेज करंट जो होगा, ठीक है, यानी कि जो लीकेज धारा जो होगी, लीकेज धारा जो होगी वो ध्यान रखना 0.2 मिली एम्पियर इंटू क्या होगी, पूर्ण भार धारा। ठीक है, पूर्ण भार धारा, तो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो मिली एम्पियर में पूछ रहा है तो एक बटा में ये लिखेंगे, अगर वो आपको इस तरीके से पूछ रहे हैं एक बटा पाँच हज़ार पूछ रहे तो एक बटा पाँच हज़ार आप लोग बताएंगे। और ये आपको पता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। इसके अलावा देखो, अगर किसी उपभोक्ता के अंदर जो लीकेज हो रहा है तो कितने घंटे के अंदर उसको चेतावनी दी जाती है, कितने घंटे तक अगर तूने सही नहीं किया तो तेरा कनेक्शन काट दिया जाएगा, तो ये भी आपको याद रखना है। 48 घंटे के अंदर, दो दिन, ठीक है, 48 घंटे के भीतर, ठीक है, आपूर्तिकर्ता यानी कि जो बिजली जो अपने को प्रोवाइड करवा रहा है वो इस बात से सुनिश्चित करेगा कि उपभोक्ता के अंदर जिस वजह से ये जो करंट का लीकेज हो रहा था वो सही हुआ है या नहीं। अगर नहीं हुआ तो इसका ये कनेक्शन को क्या कर दें, काट दें। ठीक है, अगर इस 48 घंटे के भीतर उसने अगर ये फॉल्ट दूर नहीं किया तो कनेक्शन को क्या कर देंगे, काट देंगे। तो ये रूल नंबर थे 49। यहाँ तक जो रूल थे अपने घरों के अंदर या इनके अंदर जो रूल इस्तेमाल किए जाते हैं वो थे 77, 78, 80 और 91। ये अपने जो नियम है ये ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित है। तो ये आपको यहाँ से याद रखना कि नियम नंबर 77 में क्या बात लिखी गई। अब जितने भी मैं आगे आपको रूल बताने वाला हूँ, ये तीन रूल तो है वो 77, 78 और 80, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये बात आपको यहाँ से याद रखना। अब देखो पेपर के लिए यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, रूल नंबर 49 बहुत कम चांस है कि आपको पूछे कि लीकेज करंट जो होगा वो कौन से रूल नंबर में लिखेगी, तो बहुत कम चांस है, आज तक उधर ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा। लेकिन ये जरूर पूछा जा सकता है कि जो अधिकतम लीकेज करंट होगी वो फुल लोड करंट का कितना हो सकता है, ये इस पर न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। ये ऐसा पूछा जा सकता है कि जो लीकेज करंट होगी वो कितने घंटे के भीतर अगर उपभोक्ता जो होगा उस फॉल्ट को दूर नहीं करता तो उसका विद्युत कनेक्शन जो होगा वो काट दिया जाएगा 48 घंटे। इसके अलावा आपको पूछा जाए जनरेटिंग स्टेशन डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन के अंदर न्यूनतम कितनी अर्थिंग होनी चाहिए, डबल अर्थिंग होनी चाहिए, मोटर ट्रांसफार्मर की कितनी होनी चाहिए तो डबल अर्थिंग होनी चाहिए। ठीक है, अर्थिंग चालक का प्रतिरोध इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार कितने ओम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन रूल 31 क्या बोलता है, रूल 49 क्या बोलेगा, याद रह जाता तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंदर वाली जो बात आपको वो याद रखनी है। तो अब हमने बात करेंगे इसके अंदर नियम नंबर जो है वो 77 नियम क्या कहता है, यानी कि 77 नंबर नियम क्या कहता है। यहाँ से देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं, अंदर वाली जो बात होती है वही आपको पूछी गई है अभी तक। डीएमआरसी के अंदर रूल नंबर 32 आपसे पूछा गया था, उसके अंदर एक लाइन दे दी गई थी 32 नंबर रूल क्या बोलता है, तो उसके अंदर आपको बताना था। ठीक है, अब आप लोग यहाँ से देखें नियम नंबर 77 के अंदर क्या बातें लिखी है। ये नियम थोड़ा सा लंबा भी है, ठीक है, तो इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं। रूल क्या करेंगे 77 के बारे में देखेंगे। रूल नंबर 77 क्या कहता है कि सबसे निचला जो चालक होगा और भूमि के बीच का अंतराल, ठीक है, सबसे निचला चालक देखो क्या होगा कि आप लोग देखो देखते हो कि सर्विस लाइनें जो होती है बाहर आप लोग देखते हो सड़कों के ऊपर या आपके घर के अंदर जो सप्लाई दे रहे हो वो सारे सर्विस लाइनें, उनका जो सबसे निचला कंडक्टर होगा, ठीक है, कंडक्टर देखो इस तरीके से होंगे और यह क्या होंगे, ये तो क्या होंगे वर्टिकलर होंगे, अगर यह इस तरीके से क्या होंगे हॉरिजॉन्टल होंगे। इसके अंदर तो ये तीनों की जो लेंथ होगी वो तीनों की लेंथ सेम सी होती है, वो एक अलग बात है कि धूप नमी के कारण या धूप के कारण या ठंड के कारण ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये जो होगा इस समय ये जो सबसे निचला चालक होगा और ये जो भूमि जो होगी इन दोनों के बीच का अंतराल कितना होगा, तो अलग अलग वोल्टेज के ऊपर ये अलग अलग होता है। तो ये नियम नंबर 77 के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे रूल नंबर 77। तो रोल नंबर 77 क्या कहते हैं, सबसे निचला चालक, ठीक है, सबसे निचला चालक वह भूमि के बीच का अंतराल या भू के बीच अंतराल, भू या भूमि के बारे में। तो सबसे पहले देखिए अपने बात करेंगे निम्न और मध्यम वोल्टेज, फिर उच्च और अति उच्च वोल्टेज, और दूसरी बात देखो दो तरीके से हो सकती है, या तो वो सड़क को क्या करेगी क्रॉस या सड़क के क्या चल रही है साथ साथ ऐसे ही होगा। तो सबसे पहले हमने बात करेंगे सड़क को क्रॉस करते समय, सड़क को क्या कर रही है क्रॉस करते समय, अगर लाइन सड़क को क्रॉस कर रही है तो उस समय आपको क्या करेंगे। तो यहां दो बातें याद रखेंगे, एक तो अपने को याद रखना है
निम्न व मध्यम वोल्टता, निम्न व मध्यम वोल्टता, इसकी रेंज अपने देखेंगे अभी कितनी होती है। दूसरा आपको याद रखना है, ठीक है, दूसरा आप लोग याद रखेंगे उच्च व अति उच्च वोल्टता, अति उच्च वोल्टता, ठीक है। फिर देखो, या तो सड़क को क्रॉस करें, या होगी सड़क के साथ साथ, सड़क के साथ साथ। तो इस समय भी हमने दो बातें याद रखेंगे, तो एक तो हमने बात याद रखेंगे निम्न व मध्यम वोल्टता के लिए, ठीक है, मध्यम वोल्टता, और दूसरा क्या याद रखेंगे उच्च और अति उच्च वोल्टता के लिए, उच्च व अति उच्च वोल्टता, ठीक है। फिर देखो नियम इसके अंदर जो तीसरी बात जो मेंशन कर रखी है, सड़क को चाहे आप लोग क्रॉस करो, सड़क को क्या करो क्रॉस, या सड़क के क्या चले साथ साथ, कोई भी जो चालक जो होगा, कोई भी जो कंडक्टर जो होगा, ठीक है, कोई भी जो कंडक्टर जो होगा, एक तो अपने पास वोल्टेज रहेगी 11 केवी, एक अपने पास रहेगी वोल्टेज 11 केवी, एक अपने पास वोल्टेज रहेगी 33 केवी या इससे ऊपर, या इससे ऊपर। तो इसके अंदर कम से कम कितना, ये कोई भी हुआ, यहाँ 11 केवी, यहाँ वोल्टेज के अलग अलग मान दे दी मैंने आपको, मतलब इस रूल के अंदर लिखा गया। तो सबसे पहले देखेंगे अगर वो सड़क को क्रॉस कर रही है और निम्न और मध्यम वोल्टेज है, ठीक है, इसकी वोल्टेज की रेंज अपनी देखेंगे कितनी होगी। तो यहाँ कम से कम जो होगा वो कितना होगा, वो 19 फुट होना चाहिए, यानी कि इसके बीच का जो अंतराल होगा, सबसे निचला चालक और भूमि के बीच का अंतराल होगा, वो 19 फुट होना चाहिए। उच्च और अति उच्च वोल्टता की अगर हमने बात करें तो 20 फुट। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, इस सवाल को आप लोग कई पेपरों में देख सकते हो, आरआरबी क्या, इसमें LPCVT 2 के अंदर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसके अलावा आपके UPBCL की परीक्षा में भी पूछा गया था। सड़क को क्रॉस करेंगे तो निम्न और मध्यम वोल्टेज के लिए 19 फुट रहेगा, उच्च और अति उच्च वोल्टेज के लिए 20 फुट रहेगा। सड़क के साथ साथ अगर चल रहे हो तो यह देखो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 19-20 एक है, इसका मतलब इसकी बार क्या होगा, सड़क के साथ साथ चलेगी तो थोड़ी सी लाइन नीचे हो सकती है, तो 18 फुट याद रखेंगे, ये 18 है तो नीचे वाला क्या याद रखेंगे, 19 फुट याद रखेंगे। अब देखो अगर 11 केवी की लाइन है, अगर 11 केवी की लाइन है, सड़क को चाहे क्रॉस करो चाहे सड़क के साथ साथ चलो, वहां कम से कम अगर वो क्या है नंगा चालक है, बेयर कंडक्टर है, यानी कि नंगा चालक है, तो उस समय उसका जो भूमि से कम जो दूरी होनी चाहिए वो नीचे 15 फुट। अगर यही चालक है इंसुलेटेड है, यानी कि इंसुलेटेड होगा अगर 15 AC KV की लाइन है, ठीक है, तो उस समय इसकी जो होगी लेंथ वो कम की जा सकती है, 13 फुट भी की जा सकती है। इसके अलावा 33 या इससे ज्यादा की जो वोल्टेज होगी वहां कम से कम जो हाइट होनी चाहिए वो 17 फुट होनी चाहिए। अब पेपर के अंदर क्या होता है कि कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये फुट में ना देकर के मीटर में पूछ लिया जाता है, जैसा DMRC 2017 का एग्जाम देखे उसके अंदर भी मीटर फुट ना देकर मीटर दिया रखा था। इसके अलावा अभी जो इस RRBJ का एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी फुट नहीं देकर मीटर में पूछा गया था। अब आपको देखो एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, 3.28 यानी कि 1 मीटर जो होगा उसमें 3.28 क्या होंगे फुट होंगे, ठीक है, 1 फुट के अंदर अगर आपको मीटर निकालना है तो इसको 3.28 से डिवाइडेशन करेंगे तो ये लगभग 0.33 समथिंग आएगा, इसका मतलब ये 0.3 आएगा। तो आप लोग कुछ नहीं करेंगे, 19 को 0.3 से गुणा करेंगे तो 19 57, ठीक है, तो इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे तो 5.791 मीटर आएगा। इसी तरीके से 20 को 0.3 से गुणा करेंगे तो 20 60, तो इसकी जो वैल्यू आएगी 6.096 मीटर आएगा, ठीक है, 18 54, ठीक है, तो 18 54 करेंगे तो 5.4 और 18 54 की कैलकुलेशन करके देखते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ से आपको ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, तो 18 अगर फुट होगा तो 8.86, ठीक है, और 19 अगर फुट होगा तो 5.791 आपका मीटर यहाँ से रहेगा, 15 फुट अगर होगा तो 15 45, तो 15 45 करेंगे तो ये आएगा अपना 4.572 मीटर होगा। और ये आपको 3 वैल्यू तक याद रखनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि 3 वैल्यू तक आपसे पूछेंगे, तो 13 39 तो 3.963 इसका ही रहेगा, और 17 फुट का अगर हमने चेंज करें तो 17 51 तो 5.1, तो इसको 17 फुट का देखो कितना बढ़ेगा, ठीक है, 5.186 मीटर। तो आप लोग फुट में याद रखें, 2 वैल्यू तक आप लोग आसानी से याद कर सकोगे, फिर 4 ऑप्शन अगर आपको दिए गए उसके अकॉर्डिंग आप लोग आइडिया लगा सकते हो। तो रूल नंबर 73 क्या कहता है कि जब सड़क को क्रॉस करेंगे उस समय ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज है, तो ये कम से कम इसकी हाइट क्या होनी चाहिए, 19 20 ऐसे याद रखना, फुट में आसानी से याद हो जाएगा।
19 + 57 तो 5.7 आपको मिल रहा है। तो ऐसा ऑप्शन नहीं आता कि आपको जैसे दे दिया कि 5.704 दे दिया और 5.791 दे दिया, ऐसा आज तक ऐसा नहीं हुआ। तो 5.7 यानी कि 5.7 से आप लोग आइडिया लगा ले हुए पीछे वाली वैल्यू अगर आपको याद नहीं भी है, वरना आप लोग काम क्या करना 1/3.28 को डिवाइडेशन करना, ये जो वैल्यू आएगी फिर इसको 19 से क्या करना माइनस गुणा कर देना और यहाँ आपको मिल जाएगा, आगे वाली भी वैल्यू मिल जाएगी। तो ये तो था नियम नंबर 77। अब नियम नंबर अपने बात करेंगे 78 के बारे में बात करेंगे। ये तो था सबसे निचला चालक और भूमि के बीच का अंतराल। अब अपने बात करेंगे सबसे निचला चालक और भवन के बीच का अंतराल, यानी कि जो अपना घर होगा, ठीक है, भवन के बीच का अंतराल। अब देखो अपने पास यहां वापस क्या होगी, दो प्रकार की वोल्टेज होगी, एक तो निम्न और मध्यम वोल्टेज होगी, उच्च और अति उच्च वोल्टेज होगी। निम्न और मध्यम वोल्टेज के ऊपर जो बात रखी गई है, ठीक है, देखो इसको, तो नियम नंबर देखो 78 क्या बोलते हैं, निम्न व मध्यम वोल्टेज पर, यानी कि निम्न व मध्यम वोल्टता पर भवन व सबसे निचला चालक के बीच का अंतराल, सबसे निचले चालक के बीच अंतराल, ये नियम नंबर ध्यान रखना 78 के अंदर है। जब 80 पढ़ेंगे तो यहां ये वोल्टेज चेंज हो जाएगी, उच्च और अति उच्च आएगा, बाकी ये भवन और उसके बीच का अंतराल होगा। मतलब 78 और 80 जो होगा इसके अंदर ये नियम अलग अलग कर दिया, जैसे 77 के अंदर निम्न और मध्यम वोल्टेज एक साथ दे दिया था, यहाँ 78 के अंदर उसने निम्न और मध्यम वोल्टेज के अलग दे दिया, और 80 के अंदर जब हमने बढ़ेंगे तो उच्च और अति उच्च वोल्टेज आएगा यहाँ पर। ये नियम काफी इंपॉर्टेंट है, डीएमआरसी का पेपर देखे, दो जो नियम बता, दोनों जो नियम थे इसके अंदर पूछा गया था। देखो एक तो देखो, ये आपका मान लेते हैं भवन है और ये गली जा रही है आपकी, एक तो होगा छत के ऊपर से कोई लाइन चल रही है तो वो कौन सा होगा, ऊर्ध्वाधर अंतराल होगा। एक छत के आगे से चल रही है तो ये कौन सा होगा, क्षैतिज अंतराल होगा, ऐसा ही होगा। और छत भी दो तरीके की हो सकती है, या तो सपाट होगी या क्या होगी, ढाल होगी। तो पहले अपने बात करेंगे सपाट छत, यानी कि फ्लैट रूफ है, रूफ का मतलब क्या होगा, छत रहेगी यहां पर। दूसरा अपने बात करेंगे ढालू छत, ठीक है, यानी कि जो स्लोप जो होगा, स्लोपेड छत होगी, ठीक है, स्लोप रूफ होगी। अब स्पार छत के अंदर अगर अपने ऊर्ध्वाधर अपने निकालें, वर्टिकल अगर अंतराल देखें तो कितना रहना चाहिए, कम से कम वर्टिकल अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए यहाँ पे, 8 फुट। अब 8 फुट को मीटर में भी चेंज करना आना चाहिए। और क्षैतिज अगर अपने बात करें तो यहाँ आपको याद रखना है कितना आएगा, 4 फुट। तो सपाट छत के ऊपर से अगर आपको पूछा जाए कि कोई भी जो लाइन चल रही है निम्न और मध्यम वोल्टेज की, उसके लिए ये कम से कम कितना अंतराल होना चाहिए, तो 8 फुट आएगा। अगर क्षैतिज अंतराल पूछे तो कितना होगा, 4 फुट। यानी कि आपका घर है, उस घर के आगे से कोई लाइन जा रही है तो उस लाइन के बीच का जो अंतराल होगा आपके घर और छत की, तो वो कितना होगा, 4 फुट होना चाहिए। अगर ये ढालू छत होगा तो ऊर्ध्वाधर जो होगा इसका जो अंतराल होगा वो कितना होना चाहिए, 9 फुट। और क्षैतिज अगर आपसे पूछा जाए तो ये कितना रहेगा, 4 फुट। अब देखो इसको अगर आप लोग काम क्या करो मीटर में चेंज करें तो 8 × 3 = 24, ठीक है, 8 × 3 क्या बनेगा, 24, तो यानी कि 2.4। और आगे देखो कितना बनेगा, समथिंग, तो 8 फुट है ना, तो इसको चेंज करेंगे तो ये आएगा आपका 2.438 मीटर, ठीक है, 8 या 9 मीटर इसको लिखा मिलेगा। और अगर मैं 4 फुट की बात करूँ तो ये आएगा आपका 1.219 मीटर, यानी कि अगर 8 फुट को अगर मीटर में चेंज करेंगे तो ये 4.2439, ये 9 दिया गया था वहाँ पर, 2.439 आएगा। ये डीएमआरसी की परीक्षा में पूछा गया था, ये भी उसी परीक्षा के अंदर आपसे पूछा गया था, सॉरी यहाँ 8 ही आएगा, 9 फुट। अगर ये ढालू छत होगी तो 9 होगा, तो इसको 9 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 × 3 = 27, तो यानी कि आपका बनेगा ये 2.743, ठीक है। और अगर अपने 4 फुट का निकालें तो वो वापस कितना आएगा, 1.19 मीटर। तो आप लोग एक बार दोबारा देखें, यहाँ से आपको क्या गया है कि स्पार छत होगी तो ये ऊर्ध्वाधर अंतराल कितना होना चाहिए, तो 8 फुट होना चाहिए। अगर ये ढालू छत होगी तो 9, बस 1 फुट का अंतर है, लेकिन 36 फुट के अंदर कोई अंतर नहीं है। अब फुट को आपको मैंने बताया था कि मीटर में कैसे चेंज करना है, तो 1/3.28 को अगर आप लोग डिवाइडेशन करें, ठीक है, यानी कि 1 फुट को अगर आप लोग डिवाइडेशन करें तो यहाँ से जो आपको मिलेगा ये 0 पॉइंट समथिंग मिलेगा,
तो 0 point something जब मिलेगा तो इसको आप लोग चेंज कर सकते हो आसानी से, तो 0.3 आएगा, तो इसको 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.438 इस तरीके से मिल जाएगा। अब आप लोग नियम नंबर देखेंगे 80 नंबर रूल देखो क्या बोलेगा। तो 80 नंबर रूल के अंदर देखो क्या बातें लिखी गई है। देखो बात यहां ये सेम है, यानी कि भवन और सबसे निचले चालक के बीच का अंतराल ही रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। आपको काम क्या करना है, ये निम्न और मध्यम वोल्टेज थी, अब की बार यहां अपने काम क्या करेंगे, उच्च व अति उच्च वोल्टता होगी, ठीक है। इसका मतलब उच्च और अति उच्च वोल्टता भी मैं इसकी सारी टेबल बनाऊंगा। तो इसके अंदर यह क्या होगा, या तो क्या होगा ऊर्ध्वाधर अंतराल होगा और यहां क्या होगा क्षैतिज अंतराल होगा। देखो ऊर्ध्वाधर अंतराल क्या कहते हैं, 33 kV की जो लाइन है यानी कि 33,000 वोल्टेज है वहां तक जो ये अंतराल होगा ये होगा 12 फुट, ठीक है, यानी कि कम से कम कितना होना चाहिए 12 फुट। और 33 kV से ऊपर जो होगा यानी कि 33 kV से अगर ऊपर वोल्टेज है अगर, तो घर की जो छत जो होगी उसका और जो सबसे निचला जो चालक होगा उन दोनों के बीच का जो गैप होगा वो 12 फुट प्लस प्रत्येक 33 kV, प्रत्येक अगले 33 kV पर, यानी कि प्रत्येक अगले 33 kV पर 1 फुट में बढ़ोतरी, 1 फुट में वृद्धि, यानी कि 33 के बाद अगर 66 kV की जो लाइन होगी तो 33 के अंदर 33 और जुड़ेगा, मतलब अगला 33 और काउंट होगा। तो यहां से अगर देखें तो 12 आरे कितना होगा, 13 फुट आपका यहां से क्या हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। 12 आरे कितना हो जाएगा, 13 फुट हो जाएगा। और 33 kV तक देखेंगे तो कितना आएगा, 12 फुट आएगा। अगर ये अंतराल क्या होता 36, ठीक है, तो 11 kV तक जो ये अंतराल रहेगा ये रहेगा 4 फुट। फिर 11 से लेकर के 33 फुट की अगर हमने बात करें, 12 से 11 kV से 33 फुट की अगर हमने बात करें तो ये जो अंतराल रहेगा यहाँ पर वो कितना रहेगा आपका 6 फुट। अब देखो 12 फुट है, इसको अगर आप लोग काम क्या करोगे मीटर में चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप लोग कर सकते हो। देखो 12 फुट को अगर मैं इसके अंदर चेंज करूँगा तो 12 × 36 यानी कि 12 × 36 और ये लगभग आएगा आपका 36, तो 12 × 36 36.58 मीटर आएगा, ठीक है, 12 × 36। और 4 फुट है ना, तभी इसको काउंट किया था उन्होंने, तो 4 × 12 तो 1.219 मीटर लमसम होगा। और इसके 6 फुट के बारे में बात करें तो 6 × 18 तो 1.8 और इसको चेंज करना पड़ेगा कितना आएगा, तो 6 फुट जो होगा इसको अगर आप लोग मीटर में चेंज करेंगे तो देखो कितना आएगा आपका यहाँ से, तो आएगा ये 1.828, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना अगर 33 kV से ऊपर की जो लाइन है यानी कि 33 kV से ऊपर अगर लाइन है तो वहां पर वो ये होगी कि 6 फुट आएगा प्लस प्रत्येक अतिरिक्त 33 kV पर, ठीक है, 33 kV पर क्या होगा 1 फुट की क्या होगी बढ़ोतरी, 1 फुट में क्या आएगी वृद्धि। तो यहां से आपको ये नियम जो है वो आपको याद रखने, बिल्कुल सिंपल नियम है, जो मैंने आपको नियम मार्किंग किया ये आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। 54 नंबर रूल के बारे में सवाल पूछे जाते हैं, 55 फिर 61 फिर 77 78 और 80, अभी रूल नंबर 91 के बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा ये वार्निंग प्लेट, ठीक है, तो ये वार्निंग प्लेट आपसे पूछा जाता है कि जो हाई वोल्टेज की लाइनें जो होती है वहाँ एक प्लेट लगी होती है, वो प्लेट कौन सी होती है, तो ऐसा इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब रूल नंबर 91 देखेंगे यहाँ से, रूल नंबर 91 देखो क्या कहते हैं इसके अंदर, देखो ये भी ओवरहेड लाइनों से संबंधित है। तो रूल नंबर 91 देखो क्या है, ये ओवरहेड पोल से संबंधित है यानी कि ओवरहेड के अंदर जो पोल होंगे उससे संबंधित है। तो इसके अंदर दो बातें लिखी गई, पहली बात देखो क्या लिखी गई है, ये रूल वैसे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के दृष्टिकोण से, एक इसके अंदर जो लाइन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। पहला जो रूल ये बोला गया कि जो धात्विक पोल होंगे यानी कि जो धातु के बने होंगे, ठीक है, यानी कि धात्विक पोल जो होंगे, धात्विक पोल अर्थ की होने चाहिए, यानी कि धात्विक पोल होंगे अर्थिंग की होनी चाहिए, अर्थ की ये होने चाहिए, पहली बात आपको याद रखना है। दूसरा देखो आपको क्या याद रखना है कि धात्विक पोल अर्थ की होनी चाहिए, दूसरी बात क्या याद रखना है कि जो स्टे वायर जो होगा यानी कि स्टे वायर जो होगा, ठीक है, स्टे वायर आपने देखा होगा ये पोल होगा और इस तरीके से ये तार लिखी जाती है, ये जो एंगल होगा वो ये लगभग 45 डिग्री होता है और यहाँ एक इंसुलेटर लगा होता है,
ये नियम क्या कहते हैं, स्टे वायर के साथ अगर इंसुलेटर लगा हुआ नहीं है, यानी कि स्टे वायर के साथ, क्योंकि इंसुलेटर जो है ये भूमि से लगभग 3 मीटर की ऊंचाई पर लगाया जाता है, स्टे वायर के साथ यदि इंसुलेटर लगा नहीं हो, इंसुलेटर लगा नहीं हो, ठीक है, तब ठीक है, स्टे वायर के साथ इंसुलेटर लगा नहीं हो, स्टे वायर के साथ यदि 3.05 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, स्टे इंसुलेटर लगा हुआ नहीं हो, यानी कि स्टे इंसुलेटर नहीं हो, नहीं हो तो ठीक है, ये इंसुलेटर लगा हुआ नहीं हो तो इसकी क्या करनी चाहिए, अर्थिंग करनी चाहिए। तो स्टे वायर की क्या होनी चाहिए, तो अर्थिंग करना आवश्यक है, ठीक है। तो ये इसके अंदर सारे जो रूल थे मैंने आपको बता दिए, और इसके अलावा जो अपने रूल इंपॉर्टेंट नहीं है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, जो अपने कॉम्पिटिशन एग्जामों के अंदर पूछे जाते हैं, रूल आपको याद रखना 77, 78 और 80, ये 3 रूल ऐसे हैं जो कंपटीशन एग्जामों के अंदर सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। 61 नंबर रूल मैंने आपको बताया था अर्थिंग से रिलेटेड है, 55 नंबर काफी इंपॉर्टेंट है फ्रीक्वेंसी से है, और 54 नंबर तो आप लोग देखेंगे 54 और 55 तो सबसे ज्यादा आपसे पूछे जाते हैं। 35 नंबर जो होगा ये आपसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, ये रूल इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि ये 32 नंबर जो रूल जो था ये डीएमआरसी की परीक्षा 2017 के अंदर पूछा भी गया था, 19 तारीख की सेकंड शिफ्ट थी उसके अंदर ये रूल भी पूछा गया था। और यहाँ जो मैंने आपको 77 के बाद 78 नंबर बताया था कि ऊर्ध्वाधर जो था ये भी 19 तारीख की सेकंड शिफ्ट के अंदर आया था, जो ऊर्ध्वाधर जो हाइट जो होती है वहां से आपको ये पूछा गया था, ठीक है। तो ये कितना होना चाहिए, तो आज की क्लास में बस इतना ही, कल होगा वो एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तो मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।